धन्यवाद आचार्य महोदय सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे प्रेरणापूर्वक सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर आसीन हमारे सम्मानित अतिथिगण और सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राष्ट्रीय बहुजन समाजी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमल किशोर कठेरिया जी की अध्यक्षता में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ कार्यक्रम लगाया गया है और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय बहुजन सामाजिक परिषद के तत्वावधान में लगाया गया है। इसका विषय है सामाजिक न्याय की एकता की शक्तियां ही मौजूदा समय की मांग है। साथियों, समय का अभाव है, अभी हमारे और भी विद्वान साथियों ने कुछ बातें बताई और भी अधिक गण बैठे हुए हैं, उनकी बातें हम लोग को सुनना है। मैं बहुत ही चंद शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा। सन 1956 में बाबा साहब ने एक संबोधन में कहा कि हम पूरी जिंदगी में इस मिशन पे कार्य करते हुए इस कारवां को बहुत ही अथक प्रयास अपने परिवार का सुख संसाधनों का ध्यान में न रखते हुए बहुत ही निंदा और अपमान सहते हुए इस कारवां को यहां तक लाए हैं। आप लोग अगर इस कारवां को जो है आगे ना ले पाए तो इसको यही हमें रखना, इसको पीछे न जाने देना। साथियों, अगर इस बात पे अगर आज लोग चिंतन मनन करते हैं तो देखते हैं कि कारवां को आगे बढ़ाना तो बहुत दूर रहा। हम लोग कारवां को जहां पर बाबा साहब ने छोड़ा था वहां भी बनाए रखने में सफल नहीं हो पाए। मौजूदा समय जो देश की हालत है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, जनमानस में दहशत का माहौल है, संविधान को किनारे लगा के उन्हें मनु संविधान लागू करने की तैयारी है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। सन 1925 में जब आरएस बना था तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम 100 वर्ष में 2025 तक इस देश को राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे और बाबा साहब का संविधान अलग हटा के उन्हें मनु संविधान लागू कर देंगे। पूरे देश में अपने बहुत से लाखों संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं, परंतु उसका परिणाम यह है कि हम लोग स्थिति सुधरने की बजाय और खराब होती चली जा रही है, बस बदतर होती चली जा रही है। इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेनी होगी, समझना होगा। एक छोटा सा वाक्य बताते हैं कि कसाई जब पिंजरे में से एक मुर्गे को निकालता है और उसको काटता है तो बाकी के मुर्गे जो है दाना चुगते रहते हैं, परंतु एक एक करके सबका नंबर आता है और सब काटे जाते हैं। हमारा ये बताने का मकसद ये है साथियों कि जो इस देश में कामन ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे संविधान को बचाने वाला, लोकतंत्र को बचाने वाला, ईवीएम से चुनाव ना हो, ये जो मेन मुद्दे हैं, अगर ये मुद्दे साल हो जाते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं अपने आप ही स्वतः ही साल हो जाएंगी। तो कम से कम इन मुद्दों पे हमारे जितने भी संगठन काम कर रहे हैं देश में, कम से कम इन मिनिमम कॉमन एजेंडे पे सभी संगठन एक
पार्टी है और पांचों राष्ट्रीय पार्टी जो है मनवाड़ी